हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सीएसएस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज हम सीखेंगे सेलेक्टर्स का उपयोग करना। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं सीएसएस में। तो सीएसएस में एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें हम इसको देखेंगे कि ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले न्यू फाइल चूज करता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर हमें कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले डॉक टाइप, फिर यहाँ पे एचटीएमएल, फिर नीचे HTML लिया हमने। आपको पता है CSS जब हम यूज करते हैं तो हेड को हमें बाद में क्लोज करना होता है, जबकि HTML यूज करते हैं तो हेड को पहले ही हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हेड मैं रख लेता हूँ, ठीक है, ओपन करता हूँ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे स्टाइल टैग जो कि पहचान होती है CSS की, तो ये स्टाइल टैग हम लगा लेते हैं। और फिर यहाँ पे पैराग्राफ टैग को हम यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे पैराग्राफ लगा लिया हमने। और इसमें हम क्या देंगे कि हम टेक्स्ट कैसा रखना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं टेक्स्ट किधर की तरफ अलाइन होगा, तो यहां पे लिखता हूं अलाइन। तो टेक्स्ट अलाइन लिख दिया हमने, और टेक्स्ट अलाइन किधर होगा, मैं चाहता हूं कि ये सेंटर में अलाइन हो, तो यहां हमने सेंटर दे दिया। ओके, सेंटर देने के बाद हम कलर कौन सा रखना चाहते हैं, तो यहां कलर, आप ध्यान रखिएगा कि ये अमेरिकन इंग्लिश है तो कलर की स्पेलिंग COLOR ही लिखिएगा। मैं यहां पर कर देता हूं कलर ब्लू, ठीक है, तो कलर यहां पर कर दिया है मैंने ब्लू। और अब नीचे आकर के जो हमने कर्ली ब्रैकेट लिया था उसको क्लोज कर देंगे, यहां पर इसका काम पूरा हुआ। फिर स्टाइल टैग को क्लोज करेंगे यहां पे, तो स्टाइल टैग को भी हमने कर दिया क्लोज। फिर नीचे आएंगे, अब हेड को क्लोज करेंगे, और अब यहां पे बॉडी हम ले लेंगे, चूंकि हेड का काम यहां खत्म हुआ, स्टाइल का काम खत्म हुआ, अब यहां पे बॉडी टैग हमें लेना है, तो यहां पे बॉडी टैग ले लेते हैं। और बॉडी टैग को लेने के बाद नीचे पैराग्राफ टैग लेंगे। आइए देखते हैं पैराग्राफ टैग को हम कैसे यूज करेंगे और कैसे ये काम करेगा। मैं यहां पे लिखता हूं एवरी कंप्यूटर मस्ट नो अबाउट CSS, ओके। अब इसको करूंगा क्लोज, तो यहां क्लोज करा हमने पैराग्राफ टैग को, ठीक है। और फिर एक दूसरा पैराग्राफ टैग लेंगे और उसमें हम आईडी भी बनाएंगे, तो पैराग्राफ आईडी लिखा हमने, और यहां पे क्या करता हूं मैं पैरल दे देता हूं, ठीक है, मैंने लिखा PARAL पैरल, ठीक है, तो यहां पे पैरल दे दिया हमने। और यहां पे मैं लिखता हूं HTML also, ओके, तो ये दे दिया हमने। और यहां पे पैराग्राफ टैग को वापस से किया क्लोज, तो यहां पे देख सकते हैं हमने आईडी दिया है पैरल, ठीक है। और यहां पर फिर क्या देंगे, पैराग्राफ टैग ओपन करेंगे और यहां पे मैं दे देता हूं एंड जावास्क्रिप्ट Also, ठीक है, ये भी हमने दे दिया है। और यहां से पैराग्राफ टैग को किया है क्लोज, और क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है, बॉडी और HTML को भी कर देना है क्लोज। तो यहां पर बॉडी टैग को पहले मैंने क्लोज किया, देन अब क्लोज किया HTML को, तो आप देख सकते हैं बॉडी और HTML दोनों ही क्लोज हो चुके हैं। हमें सिंपली जाना है फाइल पे और इसको करना है सेव, तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूं और मैं इसे नाम दे देता हूं CSSC.html, ठीक है, ये नाम मैंने दे दिया है और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं। आइए चलते हैं, देखते हैं डेस्कटॉप पे ये आया है, ये रहा, उसको डबल क्लिक करते हैं, देखते हैं ये प्रोग्राम हमारा चलता है या नहीं। तो ये देख सकते हैं हमने ब्लू कलर प्रोवाइड किया था और ये पूरा का पूरा ब्लू कलर में अलग अलग लाइंस में लिख करके आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये कोड कैसे काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से जुड़ी और भी आईडीज को जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।